गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग AU स्मॉल बैंक के साथ में अपना करंट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में यही अंतर रहता है। सेविंग अकाउंट में आपकी लिमिटेशंस रहती हैं विड्रॉल वगैरह की, बट इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर ओके करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको सारी अपनी डिटेल भरनी है। जैसे अकाउंट टाइप में आपको इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन आता है। अगर इंडिविजुअल में आपको अगर नाम से खोलना है तो इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आपको अपनी फर्म के नाम से खोलना है तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप पे ओके करेंगे, बट इसमें GST होना ज़रूरी है। तो आपको यही सब डिटेल आपको डाल देनी है। फिर यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक हो, फिर आधार नंबर और उसके बाद में पिन कोड, फिर उसके बाद में आपको आई एग्री ऑल टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बैंक, फिर आपको इनिशिएट आधार KYC पे ओके करेंगे, OTP आ जाएगी, OTP आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपको AU करंट अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें इस पे ओके करना है और यहाँ पे आपको ये दिखाया जाएगा कि आपको चेकबुक और डेबिट कार्ड और QR कोड आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो आप उस पे ओके कर सकते हैं। POS मशीन का चार्ज कटेगा, तो इस पे प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल आएगी, यहाँ पे आपको ईमेल ID, फादर नेम, मदर नेम, यही बेसिक डिटेल डाल देनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेटेरियल स्टेटस और एजुकेशन, ये सब करके प्रोसीड कर देंगे। फिर नॉमिनी डिटेल यहाँ पे बोला जा रहा है, जिसको भी आपको नॉमिनी बनाना है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उससे क्या रिलेशन है, ये सब सारी चीज़ें फिल कर देनी है। फिर आई वांट टू रजिस्टर नॉमिनी पे ओके कर देना, यहाँ से सारा हमें इसको भर देना। फिर इनकम प्रोफाइल में हमें अपना कंपनी की सब डिटेल डालनी है, यहाँ पे कितनी इनकम है, कितना टर्नओवर है, इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री के हिसाब से, यही सब सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस जो है आधार कार्ड वाला, वही अगर रखना है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे ओके कर देंगे, सेव एज प्रोसीड पर ओके कर देंगे। और उसके बाद में जैसे ही आप इस पे ओके करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना अकाउंट किस ब्रांच के थ्रू ओपन करना चाह रहे हो, तो आपको उस ब्रांच को सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी ब्रांच जो आपके घर के आसपास नज़दीक हो उस ब्रांच को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर प्रोसीड पर ओके कर देंगे। प्रोसीड पर जैसे ही हम ओके करेंगे फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन पूछा जाएगा, ये सब आपको यस कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपकी इनकम प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ पे इसको सेव एज अ प्रोसीड पर ओके कर देना अगर सारी चीज़ें सही हैं तब। इसको जैसे ही हम ओके करेंगे फिर यहाँ पे हमारा जो है ये फंड वगैरह का, अगर आपको ऐड करना है तो फंड ऐड कर सकते हैं, अगर अभी नहीं ऐड करना है तो स्किप टू KYC पर ओके कर देंगे। वीडियो KYC आपको करनी है, इसमें अप्लाई फॉर करंट अकाउंट, अब यहाँ पे आपको अपनी वीडियो KYC करनी है। तो वीडियो KYC में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जब वीडियो KYC हो तो बाहर की कोई एक्स्ट्रा आवाज़ ना आए, किसी की बोलने की या ये सब, और किसी अदर का फेस ना आए, सिर्फ उसमें आफी का फेस आना चाहिए, तभी वीडियो KYC आपकी कंप्लीट होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इस तरह से आपका अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगा। फिर ये ऐसे करके लोडिंग लेगा, एक्साइटेड स्पीकिंग, यही सब करके आपको जो भी बोला जा रहा है वो आपको उसमें बोलना है। उसके बाद में आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा वीडियो KYC के थ्रू, आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद में आपको ऐप डाउनलोड करना है AU स्मॉल बैंक का, तो प्ले स्टोर पर आपको ऐप यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, या लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब